हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड साक्षी दुंजल। और मैं स्टे कर रही हूँ जॉकरी फॉल्स के साथ, जॉकरी फॉल्स होम स्टे के साथ एक्चुअली मैं। और आपने अगर कल का व्लॉग्स मिस कर दिया हो तो कोई बात नहीं, देख लेना, बिकॉज कल के व्लॉग में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आप क्या क्या गंगटोक में कवर कर चुके कर सकते हो, लोकल प्लेसेस बेसिकली, और बहुत प्यारी प्यारी जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ उनका यार रूम्स चेक करो। कल मैंने यहाँ के रेट शेयर करे थे आप लोगों से, और होपफुली आपने जगह देख ली। और आपने अगर अभी तक आपको रेट नहीं पता, हर रूम वॉशरूम से अटैच है, एग्जैक्टली अटैच है, तो अगर अभी तक आपको रेट नहीं पता है तो मैं फिर से बता देती हूँ, 1000 से लेकर 1500 तक जाता है। और उसके अलावा हर रूम में सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, इवन दो यहाँ मौसम हमेशा मॉडरेट रहता है, तो इन लोगों के पास 4 रूम्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट यार, अगर मैं सिंग सोलो आई होती ना तो मैं पक्का यहीं स्टे करती। इस रूम की वाइब्स बहुत प्यारी हैं, लुक है ना, एंड शीशा तो ऑब्वियसली गर्ल्स का फेवरेट होता ही होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉग टुडे, एंड आई एम गोइंग टू गो आज यहाँ का जूलॉजिकल पार्क, और उसके अलावा यहाँ की MG मार्केट। और अगर आप सिक्किम आ चुके हो, मुझे कुछ कवर करना चाहते हो, मतलब मैं क्या कवर करूँ मुझे बताना चाहते हो, और उसके तरीके भी बताना चाहते हो कि सिक्किम में बहुत सारी पॉलिसीज हैं, सो यू कैन एक्चुअली कमेंट, आई एम ओपन फॉर द कमेंट। ओ पता है हम वहाँ भी जाएंगे एग्जैक्टली उस जगह पर। और दूसरी खूबसूरत चीज़ यहाँ की सबसे ज़्यादा जाकर होम स्टे की, This is the beautiful balcony. Hello, how are you doing? Are you doing great? This is terrace area, not balcony. This is the terrace area. और आज तो वैसे भी बारिश का मौसम है, look at their terrace area यार। और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हो तो वो रही पार्किंग, exactly वो रही। I just love this area. तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हमारे पास 12 मिनट हैं, और उसके बाद हमारा बहुत सारा प्लान्स हैं। तो राकेश कार चला रहा है आज, हाउ यू फील, आपका पैर कैसा है, लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले से ठीक है। इसने गर्म पट्टियां बांधी हुई है, बोल नहीं लगा के, कौन सी so, पहली राइड स्टार्ट होती है हमारी इससे, क्या कहते हैं इसको, हम रोपवे से स्टार्ट होती है, और पर बंदा टिकट 146 रुपीस है, एंड कार्ड और सिर्फ कैश एक्सेप्टेड। तुम्हें पता है यहाँ पर से ज़्यादा कैश ही एक्सेप्टेड है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कैश आपको लेकर आना पड़ेगा थोड़ा बहुत। एंड वी आर गोना गो फॉर अ न्यू राइड टुडे इन रोपवे। अभी तो एक साइड का हमने पे कर दिया, आते वक्त भी हमें पे करना है वापस, नहीं यही है, ओके लेट्स गो। हमें बस खड़े रहना है, ऐसा तो नहीं हमें जंप करवाने वाले नीचे, यहाँ पर सीट्स क्यों नहीं है। और अभी तो उन लोगों के वेट कर रहे हैं भैया, भैया लोग तो आए, फाइनली स्टार्टेड एंड इट, वी आर गोइंग जस्ट, हम इधर तक ही जा रहे हैं गाइस, और हम कहीं दूर नहीं जा रहे। छोटा स्विमिंग पूल हमारा ना, तो हम आ गए हैं आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन दोद्रिल चोटन मोनेस्ट्री पर। एंड ये मोनेस्ट्री थोड़ा ऊपर चढ़कर है, ये यहाँ की सबसे फेमस मोनेस्ट्री में से एक है। हम बहुत देर से वॉक कर रहे हैं, और यहाँ कहते हैं बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं, सो यू कैन एक्चुअली सी ओवर देयर एज वेल। छोटे छोटे You know, I'm in the monastery right now and it is a beautiful feel. And you know, मुझे ये बताओ कि monastery में ऐसे करके ये मंत्रों के साथ क्यों हिलाए जाते हैं, and why they are always like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 का क्या है status? तो हम आ गए हैं नम ग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी,
और मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा लाइक करता है। और इसमें क्या कहते हैं, सुबह 10 से 4 बजे तक की एंट्री है, टिकट काउंटर घेरा, बिलो 12 नहीं अलाउ। अच्छा एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनकी टिकट नहीं है वगैरह, नहीं अलाउ। माय गॉड, अंदर जो है ना यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, जस्ट बिकॉज ये लोग फ़ोन स्विच ऑफ करा देते हैं, क्योंकि अंदर जो है वो बहुत सारी कलाकारी वाली चीज़ें रखी हुई हैं। आई डोंट इवन नो, मैं अभी देखूँगी क्या रखा हुआ है और क्या नहीं रखा हुआ। तो एंशियंट टाइम की चीज़ें हैं, तो इस वजह से कैमरा जो है वो स्विच ऑफ करा देते हैं, और आपको शूज़ उतार के अंदर जाना होता है। देखिए बहुत बारिश हो रही है, सो ट्रैफिक बहुत है, एंड अभी यहाँ पर रीजन भी बहुत आज जो बच्चे कारण बारिश की वजह से रह गया था। अभी रिकवर इट लेटर होने के जरिए हम सीखने का MG रोड ऑफ सिक्किम, मतलब एक तरीके से जो माल रोड होती है ना वो यही है यहाँ की। एंड लुक एट द वेदर यार, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब अभी जस्ट बारिश होके बंद हुई है, वो भी इतनी तेज। एंड वी एक्चुअली आर हेयर टू कवर दिस प्लेस। एंड पता है यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, इवन MG रोड की फुल फॉर्म पता यार मुझे तो नहीं। MG रोड के क्या फुल फॉर्म है प्लीज़ आप मुझे बताओ, अगर किसी को पता है तो, क्योंकि किसी को पता नहीं है यहाँ पे MG रोड की क्या फुल फॉर्म है। एक्चुअली मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, तो आपको अगर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। सो गाइस वेरी करता है, अगर आप टैक्सी चूज़ कर रहे हो ना यहाँ पे, तो उसका रेट्स वेरी करता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। बट अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप ट्रांसपोर्ट हायर कर रहे हो, सपोज स्कूटी या बाइक, वो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और ऊपर से हर चीज़, अगर आप घंटों की घूमना चाहते हो, घंटों के लोकल देखना चाहते हो, तो हर चीज़ आसपास ही है, और हर चीज़ के आसपास में आपको पार्किंग्स भी मिल जाएंगी। मैं तो खुद की गाड़ी लेकर आई हूँ, सो पार्किंग जो होती है वो मिनिमम 20-30 के आसपास कॉस्ट करती है, और मैक्सिमम जाती है 60-70 पर आर के हिसाब से। और ये बिल्कुल वैसे ही है, मतलब यहाँ पे ब्रांड्स हैं पता है, जैसे माल रोड होती है, बट यहाँ ब्रांड्स है। देख रिलायंस आया हुआ है, दिस इज ब्यूटीफुल। तो गाइस इसने अभी तक गेस नहीं करा, आई एम जस्ट स्टैंड फॉर महात्मा गांधी मार्क, जिनकी वो भी देखा हुआ है, सन 1869 से 1948 तक, द फादर ऑफ नेशन। और हम जो आ रहे हैं बेकर्स कैफे की तरफ, बिकॉज बेकर कैफे, आज मैंने सेकंड कैफे का फैक्ट कवर कर रही हूँ गाइस। ये बेकर कैफे यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट कैफेज में से काउंट होता है, और हम यहाँ का फूड ट्राई करने वाले हैं आज बेकर्स कैफे का। लेट्स सी कि कैसा होता है, बिकॉज हम यहाँ पे आज लोकल ट्राई करना वाले हैं, हमारा पूरा प्लान है। क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा कि लैपिंग जो है वो तिब्बत की लोकल डिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं करी, अगर यहाँ ट्राई नहीं करने वाले, तो एक काम करते हैं, यू कैन एक्चुअली ट्राई लैब इन दिल्ली ऑल्सो। अभी तक जिसे नहीं ट्राई करी करो। I'm going to share the menu. This is the menu of this place. These are the rates of this place. And here you go. ये तो सिर्फ खाने के rates हैं। I'm gonna share कि ये है आपके rates उसके, like जो अगर आप कुछ पी रहे हो तो। That's what is actually we have ordered, and that is actually going to be very amazing. I'll try it and I'll share it. कैसा रहता है? इसका नाम क्या है? We have actually ordered a dish. Falafel and hummus. Hummus. Okay. Guys, as such, तो इसका food इतना अच्छा नहीं था जो हम last गए थे. Normal था. क्या नाम था? बेकर्स कैफे। तो कल लोकल का फूड अच्छा रहा, बट बेकर्स यहाँ पे कुछ अच्छा स्टार्स पर है, बट फूड इतना अच्छा नहीं है। ट्रस्ट मी, कैफे मोका के नाम पर उन्होंने मुझे मिल्क शेक पकड़ा दिया। ओके फाइन, लेट्स जस्ट मूव फर्दर। कहाँ से हो आप? मैं हूँ हरियाणा से। हरियाणा से हो? हरियाणा से। बस
तुम्हारे को हरियाणा के लोग मैं कैथे लगाऊंगा, ये भी हरियाणा का है। कितने की लगाओगे आप? सो गाइस यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, दिस वन, दिस इज ब्लैक कैट डिवीजन स्टेशन गुरुद्वारा। वाओ अभी बंद होगा, अभी भी खुलने के टाइमिंग। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ। सी यू टुमारो विद अ न्यू प्लेस। कल बहुत एक्साइटिंग कुछ होने वाला है बिकॉज आई एम गोना डिस्कवर अनदर साइड ऑफ सिक्किम। सी या